और आज आ ही गया उतना टफ दिन। जय नहीं किया अभी तक मेरे को, है ना? नहीं किया ना जय? हे गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल रवि साउंड ब्लॉग्स। होप यू गाइज आर फाइन। तो मैं आ गई हूँ फिर से एक और नए ब्लॉग के साथ, और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं मॉर्निंग 7:30 बजे से। और आज आ ही गया उतना टफ दिन। आज रवि की छुट्टी भी हो चुकी है ख़त्म, तो आज उनको जाना है। पता ही नहीं चला कि इतने ज़्यादा दिन, 19 दिन की छुट्टी आए थे, कब गए, कहाँ गए, पता ही नहीं चला। तो बैग वगैरह तो मैंने पैक कर दिया है पूरा उनका, बस यही लगेज है और ये हैंड बैग है। अभी रेडी हो रहे हैं वो, और थोड़ी देर बाद गाड़ी भी आ जाएगी। थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है क्योंकि इतने दिन साथ रहे तो पता नहीं चल रहा कब गए दिन। तो गाइज नहा धो के नाश्ता भी हो गया, मंदिर में पूजा भी कर ली मैंने, और अब रेडी हो गया मैं। पूरा बैग वैग भी सब हो गया, गाड़ी भी आने वाली है, और टाइम हो रहा है 7:35, तो अभी निकलते हैं घर से। और फिर सुमन तो आएगी नहीं छोड़ने के लिए। वैसे हमारा पहले प्लान था सुमन भी होटल तक आएगी छोड़ने के लिए, बट फिर आई नहीं क्योंकि गाड़ी वाले को यहीं बुला लिया। और फिर मिलते हैं जल्दी। पतिदेव भी जाने के लिए कैसा लग रहा है? Cannot explain. तो यहाँ पे ठान लगने लग गया है अब। मोबाइल तो अभी अब पड़ोस में जा रहे हैं भेंट करने के लिए। वो पहला कहाँ? नहीं तो परदेश हो बाय 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 बाय। ठीक है, जल्दी मिलेंगे फिर। ठीक है मम्मी। तो पतिदेव भी जा चुके हैं और गाड़ी थोड़ी देर बाद आएगी, ऊपर रोड में चले गए। पापा भी गए हैं छोड़ने के लिए उनको द्वालथल तक। अब घर में हम फिर से तीन ही लोग हो गए, सुनसानी हो गई है। दीदी लोग आए थे वो भी चले गए, अब आज पतिदेव भी चले गए। तो जो व्लॉग है वो आगे वही कंटिन्यू करेंगे, मैं बस थोड़ा सा अभी बना रही थी। तो फिर मैं कल से मैं संभालूंगी व्लॉग की भाग दौड़। अभी तक तो उनका सपोर्ट हो गया था, मतलब उनके आने से बहुत हल्का हो गया था, मतलब मेरा फिर ड्यूटी वाला भी काम हो रहा था ना, तो इसलिए मेरे को अच्छा मिल गया था। एडिट भी कर ले रहे थे वो, अपलोडिंग का भी पता ही नहीं चला था कब व्लॉग बन रहे हैं, कब एडिट हो रहे हैं, कब अपलोड हो रहे हैं। अभी आ गया मैं घर से ऊपर को, पूरी वीडियो बनाई नहीं मैंने क्योंकि थोड़ा बहुत ऐसा ही हो जाता ना, समझो छुट्टी कब 19 दिन पूरे हो गए।
पता ही नहीं लगा। तो आते टाइम पे तो बहुत खुशी होती, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बट जब आप घर पे आते हो और घर से जाने के बाद जो होता है वो बहुत प्रॉब्लम होती है, थोड़ा घर को छोड़ने में, गांव को छोड़ने में, घर वालों को बहुत प्रॉब्लम होती है, समझ सकते हो आप लोग। तो गाइस गाड़ी भी आ गई, अभी आप निकलते हैं यहाँ से और मिद्दा भी है साथ में। ठीक है भाई, ठीक है भाई। अभी पिथौरागढ़ पहुंच गया और सवारी वारी भी टूटे हैं, टाइम भी काफ़ी हो गया, अभी 10 पिथौरागढ़ में ही बज गया क्योंकि सवारियां इधर उधर से लेनी होती है ना, थोड़ा टाइम लगेगा लगता है खड़ी वहाँ पहुँचने। हम रुके हैं गोरना में थोड़ा टीका पूजा करने के लिए, इधर बहुत टाइम से रुका नहीं हूँ मैं। तो गाइज अभी बजे दिन के 1 और अभी हम पहुंच गए चंपावत, यहाँ थोड़ा बहुत कुछ खा लेता हूँ, भूख भी लग रही है और सब लोग खाना खा रहे हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से आधे घंटे बाद। हाँ आ गया, हेलो कर दो, हेलो कर दो। हाँ आ जाओ, प्रणाम कर दो, प्रणाम कर दो, प्रणाम। इधर इधर बैग नहीं, मेरे को मेरे को प्रणाम कर दो, प्रणाम कर दो, ला फिर आ जा, फिर आ जा, फिर बैग ला, चल बैग पकड़ा, बैग पकड़ो, इधर पकड़ा, पकड़ा, पकड़ो बैग, बैग पकड़ो, टायर पकड़ो, टायर पकड़ो, टायर पकड़ो, हाँ सही, टायर पकड़ो, फिर टायर पकड़ो, चल फिर चलो, बैग नहीं पकड़ोगे, लो बैग पकड़ो, मैं नहीं लाऊंगा, बैग पकड़ो, वही कर दो। जय जय नहीं किया अभी तक मेरे को, है ना, नहीं किया ना, जय जय कर दो, जय कर दो। क्या बैग चाहिए? बैग, बैग मेरे को दे दो, फिर मेरे को दे दो बैग, मेरे को दे दो मेरा बैग, छोड़ो उसको, बैग छोड़ो। तो गैस अभी पहुंच गया हूँ मैं खटी में, तो यहाँ खाना पीना खा के अभी अब मेरा प्लान हो रहा है, कहीं एक जगह पार्टी है ना गाँव की, कापड़ी गाँव के रहते हैं तो उनके यहाँ जाने का प्लान हो रहा है, देखता हूँ अगर जाता हूँ, नहीं जाता हूँ। अभी हम आ गए हैं अपने भाई के संस्कार लाइब्रेरी में और भाई अभी इसको बंद करके फिर निकलेगा क्योंकि बच्चे भी सब निकल गए होंगे ना, जो कि है तिगरी चौराहे पे, देखते हैं अंदर जाके थोड़ा बहुत, मैंने देखा भी नहीं आज तक। ये है भाई का ऑफिस, यहाँ कैमरे भी लगे हैं पूरी, मतलब सेफ्टी के लिए, आपका कोई सामान बाइक स्कूटी जो भी है वो घूमना, पूरा सेफ्टी है। ये है ऑफिस भाई का और ये देख सकते हो लाइब्रेरी मस्त है भाई की, और इधर सीटिंग के लिए चल रहा है इस वजह से, ये देख सकते हो। अभी बच्चे कोई है नहीं यहाँ पे, अभी चले गए क्योंकि क्लोजिंग टाइम हो गया ना इस वजह से। तो गए शादी में पहुंच गए, तो गए शादी में पहुंचते ही सबसे पहले हम मिले अपने परिवार से, साथ में अंकल चाची और पीछे साइड हमारे बैठी है दीदी और भाभी बैठे हुए हैं और साथ में भाई है। तो हम लोगों ने काफी मस्ती करी, काफी टाइम से मिले थे तो थोड़ी बहुत बातचीत कर ली थी हमने आपस में। तो उसके बाद अंकल को बहुत शौक चढ़ा था ब्लॉगिंग करने का, तो अंकल बोले आज की ब्लॉगिंग मैं करूंगा शादी में। तो अंकल ने दिखाया इधर सभी गांव वालों को, ये है हमारे गांव के और ये भी है हमारे गाँव के और बीच वाले हमारे बीच वाले अंकल और साइड में ये भी अंकल गाँव के हैं। तो उसके बाद अंकल जाते हैं दुल्हे दुल्हन के स्टेज में, इनको दिखाने के बाद फिर आते हैं डांस फ्लोर पे। डांस फ्लोर में आप लोगों को पता लग ही गया होगा कौन से सॉन्ग में ये लोग खेल लगा रहे हैं, तो नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, सौला सौलानी में इन लोगों का मस्त तरीके से खेल चल रहा है। और यहाँ पे मोस्टली लोग अपने गांव के हैं ये सारे लोग, कुछ लोगों को आप पहचान भी रहे होंगे। तो बहुत मजे कर रहे हैं देखो शादी में, और ये अपने गणेश दादा अपने भाभी के साथ में मस्त तरीके से खेल लगा रहे हैं और सब लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत मजा आ रहा है। और आज के ब्लॉगर देखो, आप सोचोगे मैं हूँ तो मैं नहीं, आज के ब्लॉगर है अपने चचा और ये पारू दीदी मिल गई हमको ब्लॉगिंग में। और उसके बाद अंकल ने सबको बाय बोलते हुए फिर हम गए दूल्हे और दुल्हन के स्टेज में, पूरी फैमिली ने एक फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करी। तो देखो यहाँ पे मस्त तरीके से फिर से और डांस फ्लोर में ले गया मैं कैमरा और थोड़ा बहुत सबको दिखाया मैंने, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे थे हमको भी आना है ब्लॉग में, तो हमने सबको देखा। काफी मस्त तरीके से देखो खेल लगा रहे हैं सब लोग, बहुत मजा आता है ऐसा कुछ देखने के बाद।
तो मैं कॉपीराइट आता है इस वजह से मैं यहाँ पे पूरा म्यूट कर दिया और थोड़ी बहुत अपनी वॉइस डाल दी, तो आप इंजॉय कीजिए। हे गाइस, तो अभी रात के 11 बज रहे हैं, थोड़ा मेरा गला भी बैठ गया क्योंकि आज बहुत इंजॉय किया। शादी मतलब जब गाँव की शादी होती है मैं कभी मिस नहीं करना चाहता हूँ। आज बहुत इंजॉय किया और ये अपना भानीज है, बचपन में अपने साथ ही रहते थे, बट अभी आज फिर से मिल गए, कम से कम 10-15 साल बाद मिला ना आज। हाँ, 10-15 साल बाद आप चलते हैं घर को। तो आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा, और मैंने ज़्यादा दिखाया नहीं क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है, मैं म्यूजिक नहीं डालूंगा। तो आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा, और आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय। Ever met somebody like you?